AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गुरुवार को हापुड़ के छिजारसी टोल पर गोली चलाई गई। घटना के वक्त वो चुनावी प्रचार करके वापस लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक ओवैसी पर जिस दिन हमला हुआ उसी दिन उन्होंने अपनी बेगम को डिनर पर ले जाने का वादा किया था। जाहिर है ओवैसी इन दिनों यूपी चुनाव प्रचार में बेहद व्यस्त है, इसलिए उन्होंने अपनी बेगम से गुरुवार को दिल्ली में ही रहने को कहा, जिससे कि वह प्रचार खत्म करने के बाद रात को उनके साथ डिनर पर जा सके। प्लान के हिसाब से गुरुवार शाम तक सब ठीक ठाक चल रहा था। ओवैसी ने मेरठ के किठौर में चुनावी कार्यक्रम में शिरकत किया और शाम को वो दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही उन पर हमला हो गया। जाहिर है ऐसे में डिनर तो कैंसिल होना ही था। ओवैसी ने अपनी बेगम साहिबा को फोन लगाया और बताया कि किसी ने उन पर गोली चला दी है, लेकिन बेगम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। ओवैसी की पत्नी को लगा कि वो डिनर पर नहीं जाना चाहते, इसलिए बहाना बना रहे हैं। ऐसे में बेगम साहिबा बोली, नई कहानी। हालांकि सबूत पेश करने की बात करते हुए ओवैसी ने जब टीवी खोलकर देखने को कहा तो सारी बातें साफ हो गईं और ओवैसी की बेगम को सच में ओवैसी पर हमला होने पर यकीन हुआ। बहरहाल ओवैसी पर हमले के मामले में यूपी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने गुनाह भी कबूल लिया है। अब इन आरोपियों को क्या सजा मिलती है ये तो अदालत ही तय करेगी।